वसीम साहब, दुनिया किसी भी तरह मुतमईन नहीं हो रही, मुतमईन नहीं होती है। बिल्कुल, आप कुछ कर ले लोग कहेंगे नहीं यार, उस तरह अच्छा। आपने दुनिया में नाम हर तरह से बना लिया है, क्या अभी भी, क्या अब जो इस वक्त मौजूदा आज का जो वसीम अकरम है, क्या कोई ऐसा भी मिलता है कि पागल कि कहे कि यार बस जो तुम्हें बनना चाहिए सी वो तुम बने नहीं? बड़े कम मिलते हैं मगर मिलते जरूर है। मैं आपको जज साहब कह सकता हूँ? ओह यस प्लीज जज साहब, प्लीज इजाजत है? किताबें ना मांगिए, डिग्री ना मांगिए, बस नहीं, बहुत सारे मिलते हैं मगर कम नेगेटिव लोग मिलते हैं, ज्यादा पॉजिटिव ही मिलते हैं। माशाल्लाह, सो अच्छी बात है कि पॉजिटिव अगर आप खुद सोचोगे तो इसका मतलब कि आपके साथ आपके काम भी आगे से पॉजिटिव अच्छे होंगे। होंगे इंशाल्लाह। ये जो आप फील्डिंग करते हैं जी, धुआं तरह ये एक आपने मुझे बताया भी है जी कि ये जरा तरीके से होता है। हाँ जी, आपने कभी जिंदगी में कभी किसी कैप्टन से अपनी पोजीशन मांगी कि मैं वहाँ खड़ा होऊंगा ताकि मैं आराम से खड़ा रहूं और मेरी आईज जो है ना वो प्रॉपर वर्क करे? हाँ बिल्कुल मांगी मांगी और तब वाह, बिल्कुल मांगी, इसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, एतराफ है, हुनर है। मांगी जहाँ लड़कियां ज्यादा होती थी उधर मांगी फील्ड, सच्ची बात है, उधर फील्ड मांगी जहाँ आंखें खर्च होती हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि जरा यू नो फ्रेशनेस भी रहे। हाँ ये भी होना चाहिए। हाँ, वो सारा दिन लड़कों के साथ तो रहते हैं ड्रेसिंग रूम, वो तो बोर रहता है आदमी, तंग पड़ जाता है बंदा। लड़के भी कोई इतने खूबसूरत नहीं लड़के भी कैसे कैसे आपके उस वक्त थे आपके साथ? जी जी, काफी कैरेक्टर आए हैं मेरे दौर में भी। साहब, मेरा एक इन पे इल्जाम है कि ये इतना इंडिया में क्यों रहते हैं, हमें जरूरत है इनकी, इन्हें यहाँ होना चाहिए। मैं इंडिया नहीं रहता, मैं रहता हूँ पाकिस्तान, वहां मैं कॉमेंट्री करने जाता था। सही है, तो जब जहाँ आपको ऑफर आएगी काम की वहाँ जाएंगे, सही, जहाँ मुझे आएगी मैं जाऊँगा, सही, दिस इज एज सिंपल, घर भी चलाना है काम भी करना है, वी आर घर भी चलाना है, दिमाग भी चलाना है, जबान भी चलानी है, आंखें भी चलानी है, आंखें लड़ानी भी हैं, मगर वो कहीं भी जाएं, बिल्कुल, परवीन शाकिर का एक शेर याद आ गया, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बिल्कुल, आना तो घर ही है, बस यही बात है अच्छी, मेरे हर जाएगी कुबा कु फैल गई बात शनासाई। वाह, अच्छा कोई एकेडमी, कोई कोचिंग सेंटर ऐसा आपने बनाया है पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया अभी, बट आई थिंक इसमें पीसीबी काफी हेल्प कर सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कि वो सबसे पहले तो जो क्रिकेटर है उसको इंचार्ज बनाए क्रिकेट का। मिनिस्टर होना चाहिए यार, मिनिस्टर और ये एक बिल्कुल अलग गवर्नमेंट का वो होना चाहिए इंडस्ट्री, बिल्कुल, इसकी अलग मिनिस्टर, अलग गवर्नर, अलग चीज, सारी पोस्ट दें प्लेयर्स को ताकि उनको एहसास हो और उनके शोल्डर के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, बड़े लोग पूछते हैं कि जी ये पाकिस्तान टीम कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, कंसिस्टेंट जीतती क्यों नहीं है? मैंने कहा ये भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी कहीं भी नहीं है। है नहीं, अब यहाँ छोटी छोटी चीज़ें देख लो, गाड़ियों में नोट करता हूँ, पढ़े लिखे लोग होते हैं, गाड़ी का शीशा खोलते हैं, जूस पी रहे हैं, वो बाहर फेंक देंगे मेन रोड पे, थूक देते हैं, वहाँ दे बड़ी बड़ी थूके, पता नहीं क्या खाते हैं, बहुत बुरा, ऐसा पिचकारी मारते हैं पीछे से आने वाले स्कूटर वाले के ऊपर जाते हैं, बंदा मर जाए। हाँ, हाँ, में चला जाए बंदा। नहीं, हम कहते हैं इस्लाम का है कि सफाई निस्फ ईमान है, ईमान है, वो फिर क्यों कहते हैं हम? सही, हम दो दो चीजें, एक या तो जो चीज कहें उस पे अमल करें, नहीं तो ना कहें, कह दो हम गंदे हैं, हमने गंदा रहना है, खत्म होगी बात। सही होगी बात। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, आप ग्राउंड के अंदर लड़कियों को देखें, हाँ वो कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो सब देखते हैं लड़कियां।